हेलो स्टूडेंट, एम आर के जब महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रायंगल्स 61.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये तीनों क्वेश्चंस बताते हैं। ये तीन क्वेश्चंस बचे हुए हैं, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके क्वेश्चन में ही ये फिगर दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC है। मतलब ये AB बराबर AC इतना दिया हुआ है, ठीक है। AB और AC बराबर है, ठीक है। उसका क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ अगर हम AB को D तक प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे यहां तक प्रोड्यूस कर दिए, तो ये AB AD के बराबर हो जाता है, ठीक। तो अब यहां एक बात सामने आई कि अगर AB के बराबर AC है और AB के बराबर AD है, तो AB के बराबर AC, AB के बराबर AD, इसीलिए AC और AD भी क्या बराबर होगा, क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो BCD पूरा एंगल है, ये 90 डिग्री हमको दिखाना है। तो हम ABC में हम ये तो जानते हैं कि AB और AC बराबर है, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं। अगर AB और AC बराबर है तो AB के सामने के एंगल ये और AC के सामने के एंगल ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब ये X होगा और ये भी X होगा, ठीक। समझ में आ गया कि ये दोनों क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अब इस ABC में ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल बन गया इस ट्रायंगल का, और किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। इस दोनों का सम x और x का सम करेंगे तो 2x होगा, इसीलिए ये एंगल कितना है आप 2x दिखा दोगे, कोई दिक्कत। फिर हम पहुंच जाएंगे ADC में। तो ADC में अगर ये 2x है और AD बराबर AC है, तो फिर इसमें भी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। लेकिन किसी भी ट्रायंगल्स में तीनों एंगल के सम प्रॉपर्टी 180 होते हैं। अगर ये अकेले 2x डिग्री है, इस दोनों का जो सम होगा वो 180 में से 2x को घटाने से जो बचेगा वो उस दोनों का सम होगा, और उस सम में ये दोनों बराबर बराबर है। तो ऐसे अगर हम 180 में से 2x को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 180 माइनस 2x, और ये 180 माइनस 2x दोनों का सम हो गया। लेकिन उस 180 माइनस 2x में ये दोनों एंगल्स बराबर है, इसीलिए 180 माइनस 2x का हाफ हाफ करेंगे तो आपको 90 माइनस x मिलेगा। तो ये भी एंगल्स आपको 90 माइनस x हो जाएंगे, और ये भी 90 माइनस, ये भी 90 माइनस x, और ये भी 90 माइनस x डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूं BCD का रहा, तो BCD में ये एंगल और ये एंगल मिला के आएगा, तो ये कितना है x और वो कितना है 90 माइनस x। तो 90 माइनस x में अगर x को जोड़ेंगे तो ये x कैंसिल होके कितना, ये पूरा 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब BCD राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने अभी वर्बली समझा, अभी इसको मैं लिखा भी हूं उसको भी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया जिसमें AB और AC बराबर है, साइड AB को D तक प्रोड्यूस किया गया है सच डेट AB बराबर AD है। ये शो करना है कि BCD एक राइट एंगल है, मतलब BCD 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब प्रूफ में मैंने क्या, ABC जो भी मैंने आपको समझाया था, ABC में AB बराबर AC होगा, इसलिए इसके सामने के एंगल क्या बराबर होंगे, और मैंने B और C को x मान लिया, यहाँ x माने थे। अगर ये x हो गया तो फिर ये कितना हो जाएगा, CAD इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है जो इस दोनों का सम होगा, यानी x प्लस 2x ये निकाल लिए। फिर हम चले गए ACD में, फिर ACD में AC बराबर AD है, इसीलिए ACD ADC बराबर होगा, जो 180 माइनस 2x का हाफ होगा। तो 180 बाय 2 कर दिए, माइनस 2x बाय 2 कर दिए, 2 से 180 को कैंसिल कीजिएगा 90 मिलेगा, यहां से 2 कैंसिल होकर 90 माइनस x मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये दोनों निकाल लिया। अब BCD तो ये दोनों का सम होगा, तो x प्लस 90 माइनस x, तो ये x और x कैंसिल हो गया, कितना मिला 90 डिग्री, इसीलिए BCD 90 डिग्री हो गया, इसीलिए हम BCD को राइट एंगल कहेंगे, क्लियर।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 समझ सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए 90 डिग्री है और एबी बराबर एसी है। अब सबसे पहले देखिए, जब एबी बराबर एसी है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं और दिए हैं, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब एबी और एसी अगर बराबर है तो एबी के सामने के एंगल ये और एसी के सामने के एंगल ये बराबर होगा, और इसको मैंने एक्स मान लिया। सपोज कीजिए कि ये एक्स डिग्री और ये एक्स डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में आपको तीनों एंगल पता है, ये एक्स और ये 90, और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब 90 प्लस एक्स प्लस है 180 होगा, तो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 90 बराबर 180 होगी। हम 90 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 2x बराबर 90 आएगा, और जब 2x बराबर 90 होगा तो x बराबर 90 अपॉन 2 45 डिग्री होगी, यानी x का वैल्यू 45 हो जाएगा। तो ये 45 तो वो भी 45 होगी, यानी b और c का वैल्यू 45 डिग्री होगा। कैसे, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए 90 डिग्री दिया हुआ है और हमको बी और सी पता करना है। तो हमने इन ट्रायंगल बीएसी एबी बराबर एसी दिया है, और हम जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होता है, इसीलिए एबी के सामने एंगल सी और एसी के सामने एंगल बी बराबर होगा। इसको मैंने एस डिग्री मान लिया। ठीक, अब फिर चलते हैं बीएसी में, तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स और एक्स को जोड़े तो 2x हो गया, 180 माइनस 90 2x 90 x 45, और x हमने किसको माना था, एंगल बी को और एंगल सी को। इस तरह से x 45 जो आया वही b होगा और वही c होगा। इस तरह से हमने एंगल बी 45 डिग्री और एंगल सी 45 डिग्री ये पता कर लिए। इस तरह से किसी भी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसे भी आपको याद रखना है कि ईच एक्यूट एंगल 45 होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि सो करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, और हम जानते भी हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो एबीसी हम मान लिए, क्योंकि नाम नहीं दिया तो आप कोई भी नाम मान सकते हो, तो एबीसी हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिए। इक्विलेटरल करते जिसके तीनों साइड बराबर होंगे, इसका मतलब एबी एसी और बीसी तीनों बराबर है। इसको हमने लेट करके लिख लिया, देखिए लेट एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज एबी एसी और बीसी तीनों बराबर है। हमको शो क्या करना है, हम जानते भी हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, बट यही क्वेश्चन हमको प्रूफ करने के लिए दिया है कि आप प्रूफ करके बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, यही हमको शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबी सी ट्रायंगल में पहले आप एबी बराबर एसी कर लो। एबी बराबर एसी की तो दो साइड तो फिलहाल बराबर है, इसीलिए, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल जो होता है अपोजिट साइड का इक्वल साइड का वो बराबर होता है। जब एबी बराबर एसी है तो ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर होगा, इसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, मान लिए, इसको आप लेट लिख दीजिए। फिर एबी तो फिर बीसी के भी तो बराबर है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसको हमने एक्स माना था और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी एक्स हो गया। इसका मतलब तीनों एक्स हो गया, क्लियर। देखिए ए बी बराबर बी सी है, इसलिए सी और ए बराबर होगा एक्स। अब ए बी सी तीनों एक्स एक्स हो गया, ये भी एक्स और ये भी एक्स हो गया, और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल को अगर आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ए के वैल्यू एक्स, बी के वैल्यू एक्स, सी के वैल्यू एक्स, एक्स प्लस 3x 180 हो गया। तो एक्स कितना होगा, 180 बाय 3 60 डिग्री हो गया, यानी तो जब x का वैल्यू 60 डिग्री तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये 7.2 के ये आखिरी क्वेश्चन थे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बताया है, इसीलिए आप तीनों को शुरू से तीनों वीडियो को देखेंगे, तीन वीडियो मैंने इस एक्सरसाइज का बनाया है, तीनों वीडियो को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और आप इसको समझ के अंडरस्टैंडिंग से बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो थैंक यू।